नमस्कार, मैं हूं गौरव पांडे और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। आइए डालते हैं एक नज़र यूपी के भदोही जनपद की ओर। भदोही की ज्ञानपुर में पीस कमेटी की बैठक में दिया गया प्रेम का संदेश। अयोध्या की राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद भूमि पर आने वाले फैसले को लेकर माहौल गर्म होने की आशंका के मद्देनजर सोमवार को कोतवाली परिसर ज्ञानपुर में इंस्पेक्टर चित्रकूट पुरी की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए कोतवाल प्रभारी चित्रकूट पुरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा सर्वमान्य होगा। मेरा सबसे यही निवेदन है कि आपसी प्रेम और सौहार्द बनाकर पूरे देश दुनिया में जनपद भदोही की नगर ज्ञानपुर का नाम रोशन रखें। कहा कि कोर्ट जो भी फैसला देगा वो सही देगा, इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें तथा अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों की सूचना तत्काल पुलिस को अवगत कराएं। इस दौरान दीपावली, डाला छठ और बारह वफात पर्वों के मद्देनजर उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण वातावरण में आपसी सौहार्द के साथ पर्व मनाने की अपील की। कहा कि कोई भी पर्व हमें शांति व भाईचारे का संदेश देता है, इसलिए त्योहारों पर आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाएं। कहा कि पर्व पर किसी प्रकार की अराजकता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि दीपावली का पर्व दीपों का त्यौहार है, दीपों से अपने घर के आंगन को जगमग करें, साथ ही बच्चों को पटाखों से दूर रखें। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, सभी लोग शांतिपूर्वक मिलजुल कर पर्व मनाएं। इस मौके पर उप निरीक्षक राजेंद्र राम, जवाहरलाल अक्षय कुमार, कांस्टेबल अवध नारायण राय, रमेश कुमार, सुधीर मिश्र, महिला कांस्टेबल ललिता यादव, छल्ला यादव, ब्रह्मजीत शुक्ल, अमित तिवारी, मोहम्मद इलियास, अकबर अली, शाहिद अली आदि मौजूद रहे। आइए देखते हैं भदोही जनपद से संवाददाता विकास मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। क्या स्वयंवर में जनक जी के दरबार में गए थे अपने पूर्वज के नारायण। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर ये रहा होता तो राम ने जब अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नया वीडियो आने वाला आपको जल्द से जल्द मिल जाए और हमारे बेल आइकन को टैप करना ना भूलें।